हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीत तिवारी है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ लंबे बालों के लिए हेयर स्टाइल। मेरे बाल तो छोटे हैं, बट मुझे कमेंट आ रही थी कि मैम लंबे बालों के लिए हेयर स्टाइल बताइए, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, उसके लिए मैंने ये मंगाया हुआ है, जिससे कि आपको लंबे बालों का हेयर स्टाइल मिल जाएगा। और ये थोड़ा सा मेरे बालों से अलग है, बट काम चला लीजिएगा। मैं इससे अपने बालों को लंबा लुक दूँगी और उसके बाद से आप लोगों के साथ हेयर स्टाइल शेयर करूँगी। ये थोड़ा सा मतलब अलग आ गए, मैंने ऑर्डर किया था कर्ली में जैसे कि मेरे बाल हैं, बट ये स्ट्रेट में दे दिया उन्होंने और इस पर रिटर्निंग का ऑप्शन नहीं था, तो मुझे ये रखना पड़ा मजबूरी में। तो ये इस तरीके का हेयर असिस्टेंट आता है, जिसमें इस तरीके की टिक-टिक क्लिप्स होती हैं, ईजिली आपके बालों में फंस जाता है। तो मैं इसको लगा के दिखा देती हूँ कैसे लगाना। सिंपली आपको यहाँ से इस तरीके से बालों को लेना है पूरा बैक तक, ओके, और ऊपर के बालों को क्लचर या फिर किसी भी चीज़ से आप सेट कर लीजिए, जिससे कि आपको ये लगाने में दिक्कत ना हो। तो मैंने क्लचर से यहाँ पे अपने बालों को सिक्योर कर लिया है। देन इसको मैं इस तरीके से बैक साइड में घूम जाऊँगी और यहाँ पे जहाँ जहाँ मैंने जैसे मांग निकाली है वहाँ वहाँ पे इसको ऐसे सेट करूँगी। पहले टिक-टैक क्लिप को ओपन कर लेंगे इस तरीके से, सारे क्लिप्स ओपन करने के बाद से आराम आराम से एकदम अपने जहाँ पे अपने मांग निकाली हुई है वहाँ पे इसको फंसाएंगे और क्लिप को बंद कर देंगे। बहुत इजीली लग जाता है और जितना भी टाइम आप इसको रखना चाहो ये आराम से आपके बालों में टिका रहेगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। कहीं शादी पार्टी में भी जा रहे हो तो आप इसको ट्राई कर सकते हो। तो इस तरीके से मेरे बाल लंबे हो गए। अब ऊपर से अपने बालों को ओपन कर लीजिए। वाह, तो दिख रहा होगा आपको, इस तरीके से आप अपने बालों को लंबा लुक दे सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली सॉरी कैमरा मैं थोड़ा इधर रख देती हूँ। यहीं पे ठीक है। उसके बाद आपको सिंपली अपने बालों को टू पार्ट, ऐसे मैंने बीच की मांग निकाली है, बीच मांग ही रखना है। बहुत इजी हेयर स्टाइल बताऊंगी जो कि काफ़ी अच्छे लगते हैं पार्टी वार्टी के लिए। अगर आपको बन हेयर स्टाइल देखना है तो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ये देखिए काफ़ी, तो ये मैंने जोड़ लिया है। जोड़ने के बाद से आपको क्या करना है, जोड़ने के बाद से मेरे बालों का लुक आप देख सकते हो काफ़ी लंबा है, ओके। अभी हम लोग फ्रंट और बैक दोनों हेयर स्टाइल बताने वाले, लंबे बालों के लिए हेयर स्टाइल है ये। तो आप चाहो तो बीच की मांग रख सकते हो, चाहो तो साइड की मांग रख सकते हो, और चाहो तो साइड चोटी बना सकते हो, और चाहो तो बीच की भी चोटी बना सकते हो। तो मैं यहाँ से इस तरीके से सिंपली लेके जाऊँगी बालों को। बहुत ईजी है, बहुत आसानी से आप कर लोगे। मैं यहाँ पे दो हेयर स्टाइल बता दूँगी, जो कि एक बीच मांग से और एक साइड मांग से लंबे बालों के लिए। तो इस तरीके से करने के बाद से थोड़ा सा बालों को पुल करना है और क्लिप से सेट कर देना है। ओके, देखिए कितना प्यारा लग रहा है। सेम इसी तरीके से आपको दूसरी साइड भी करना है। वाह, और ये साड़ी पे भी बहुत प्यारा लगेगा। और इस तरीके से पुल करना है और इसको भी क्लिप से सेट कर देना है। ओके, मुझे तो बहुत ही प्यारा लगता है ये वाला हेयर स्टाइल साड़ी के साथ। मैंने तो अभी टी शर्ट पहना हुआ है, बट लंबे बालों के लिए रिक्वेस्ट आई थी तो मैं बना के दिखा दे रही हूँ आप लोगों को। साइड से लेयर निकालनी है तो आप निकाल सकते हो। मेरे चेहरे पे लेयर्स अच्छे लगते हैं, जिससे कि मेरा फेस यहाँ से थोड़ा चौड़ा है वो कट हो जाता है और अच्छा सा लुक आ जाता है। आप चाहो तो ऐसे ओपन भी रख सकते हो बालों को इस तरीके से, और चाहो तो इसके साथ एक चोटी भी बना सकते हो।
सिंपली आप बैक में घूम जाओ, सिंपल चोटी एकदम इजी बता रही हूँ, ताकि आप कहीं भी जा रहे हो अगर आपके बाल पतले हैं उसके लिए भी एक टिप बताऊंगी इसी हेयर स्टाइल में। यहाँ पे एक रबर बैंड लगा दूँ, अगर बन हेयर स्टाइल भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं लंबे बालों पे बन हेयर स्टाइल भी बता दूँगी, आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। इस तरीके से खींचने से क्या होता है कि इंस्टेंट वॉल्यूम आ जाता है आपके बालों में और आपका जो हेयर स्टाइल है वो काफ़ी अच्छा लगता है और आपके हेयर स्टाइल में चार चांद लग जाते हैं। मतलब मोटे घने बाल तो सबको पसंद होते हैं और वो भी जब ब्राइड बना रहे हो तब की बात तो अलग ही होती है। तो ये देखिए मेरा फर्स्ट हेयर स्टाइल कम्प्लीट हो गया और काफ़ी कंफर्टेबल रहता है। आप कहीं भी जाओ शादी पार्टी में इस तरीके से आपके बाल लंबे भी दिखते हैं और काफ़ी स्टाइलिश लगते हैं। और ये है बैक का लुक और ये है मेरा फ्रंट का लुक। मुझे तो ये हेयर स्टाइल ओपन करने का मन नहीं कर रहा, बट अभी मैं ओपन करना पड़ेगा क्योंकि सेकंड हेयर स्टाइल भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। तो चलते हैं सेकंड हेयर स्टाइल की तरफ। तो सेकंड हेयर स्टाइल भी मैं यहाँ से साइड पार्टिंग से कर रही हूँ। साइड पार्टिंग लगा निकाल के आपको सिंपली एक पफ बना लेना है। ओके, हल्का सा ट्विस्ट करके आगे की तरफ पुल करेंगे और एक पफ क्रिएट करेंगे। ये भी हेयर स्टाइल काफ़ी कंफर्टेबल रहता है और काफ़ी स्टाइलिश है, काफ़ी इजी है, बहुत ही आसानी से आप बना लोगे। ओके, ठीक है। इसके बाद से आपको क्या करना है, सिंपली ये इस साइड के जो हेयर हैं इसको ट्विस्ट करना है जैसे अभी मैंने किया था उसी तरीके से। आप चाहो तो लेयर्स निकाल सकते हो साथ साथ में ही, और चाहो तो आपकी मर्ज़ी है आप छोड़ भी सकते हो। अगर आपका फेस बहुत छोटा है तो आप मत निकालिएगा, और बड़ा फेस है, चौकोर फेस है तो आप निकाल लीजिएगा, काफ़ी अच्छा लगता है। इस तरीके से करने के बाद से इसको ट्विस्ट करके बैक साइड में लेके जाएंगे और यहाँ पे क्लिप से सेट कर देंगे। और इस तरीके से करिएगा जो आपने हेयर स्टाइल ऐड किया है हेयर इसमें वो ना दिखे। वाह, इस साइड का आप चाहो तो ऐसे ही छोड़ सकते हो और सारे बालों को एक साइड में लेके अपना पार्टी अटेंड कर सकते हो। देखिए कितना प्यारा लग रहा है, स्टाइलिश लग रहा है। तो ये हमारा सेकंड हेयर स्टाइल हो जाएगा लंबे बालों के साथ। ईयरिंग्स डालो, बड़ी बड़ी बालियाँ डालो तो ये हेयर स्टाइल काफ़ी अच्छा लगेगा। और लॉन्ग फेस पे ये वाला हेयर स्टाइल बिल्कुल बेस्ट रहेगा। अगर आपका लंबा फेस है तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सारे बालों को एक साइड में रख के और एक साइड से इस तरीके से हेयर स्टाइल बना लीजिएगा। और अब बारी आती है, अगर आपको ओपन बाल पसंद नहीं है और आपको इस टाइप का आपके बाल लंबे हैं और आपको बनाना है हेयर स्टाइल, तो आप सिंपली जैसे हमने इस साइड में किया था उसी तरीके से छोटा छोटा सेक्शन लेके इस साइड पे भी बनाओगे हेयर, सॉरी ट्विस्टिंग। तो इस तरीके से ट्विस्ट करते हुए इसको भी आप बैक साइड तक ले जाओगे और लेयर्स ज़रूर निकालिएगा अगर आप पार्टी शादी में ये हेयर स्टाइल बना रहे हो तो। ओके, इस तरीके से हल्का सा पुल करते हुए इसको भी बैक साइड में ले जाके क्लिप से सेट कर दीजिएगा। उसके बाद आपका जो इस साइड का हेयर है ये सारा हेयर एक साथ ले लीजिए, पूरे हेयर को एक साइड में लेके आइए, सॉरी क्लिप को अच्छे से लगा लीजिए, जैसे अभी निकल गया मेरा वैसे निकले ना। ओके,
अभी सारे बालों को एक साइड लेके आएंगे, अच्छे से कॉम करेंगे, और यहाँ पे जो खजूरी चोटी होती है ना वो बना लो आप, बहुत प्यारा लगता है। अगर आपके बाल बहुत पतले हैं तो भी बहुत प्यारा लगेगा। तो टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, थोड़े थोड़े हेयर लेके एक दूसरे के ऊपर बस रखते जाएंगे, और आपका जो खजूरी चोटी है वो कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे मैंने आर्टिफिशियल हेयर ऐड किया है जिसकी वजह से ये ब्राइड बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। थोड़ा थोड़ा सेक्शन लेके बालों का और ब्राइड कंप्लीट करेंगे। पतला पतला सेक्शन लीजिए और बनाते जाइए। अगर आपने भी आर्टिफिशियल हेयर जोड़े हैं तो थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, और अगर आपके ओरिजिनल बाल इतने लंबे घने हैं तो आप, वैसे मैंने छोटे बालों पे भी बहुत सारे पार्टी बन शादी के लिए हेयर स्टाइल अपलोड किए हुए हैं, तो आपको आर्टिफिशियल हेयर जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। मुझे यहाँ पे बताना था लंबे बालों के लिए हेयर स्टाइल, इसलिए मैंने जोड़ा है। आपके नेचुरली लॉन्ग हेयर हैं तो आप इस तरीके से बनाइएगा, अदरवाइज अगर छोटे हैं तो छोटे बालों के लिए बहुत सारे हेयर स्टाइल डाले हैं पार्टी शादी में हेयर स्टाइल, तो आप जाके चेकआउट कर लीजिएगा वो हेयर स्टाइल इस तरीके से बनाते जाएंगे थोड़े थोड़े हेयर ऐड करके। वाह, एकदम लूज हाथों से बनाइएगा। अगर आपका ब्राइड जो है वो परफेक्ट नहीं बन रहा तो भी कोई बात नहीं है, बस लुक आना चाहिए बहुत अच्छे से, मैसी सा लुक होगा तो भी चलेगा। वाह, तो ये मेरा ब्राइड कंप्लीट हो गया, और ये मेरा सेकंड हेयर स्टाइल है, सॉरी थर्ड हेयर स्टाइल है, सेकंड मैंने ओपन बालों पे बताया था। और लॉन्ग फेस के लिए बेस्ट रहेगा सेकंड वाला हेयर स्टाइल, और उसको अगर आपको लॉन्ग फेस पे खुले बाल नहीं रखने हैं तो सेकंड वाले हेयर स्टाइल में ही सिंपली सारे बालों को इस साइड लेके पोनी बना दो या बन बना दो तो बहुत अच्छा सा लुक आ जाएगा। अब इसको मैं थोड़ा सा लूजिंग ऐड करूँगी इसमें, जिससे कि बालों में वॉल्यूम दिखे और बाल जो हैं आपके बहुत घने दिखे। वाह, तो ये देख सकते हैं आप कितना प्यारा लग रहा है, और बहुत ही इजी तरीके से बहुत जल्दी से आप बना लोगे। तो आपको ये तीनों हेयर स्टाइल में कौन सा सबसे बेस्ट लगा ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और भी इस तरीके की अमेजिंग वीडियोस हेयर स्टाइल्स की वीडियो देखने के लिए। और मेरे दूसरे चैनल पर भी 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। तो दूसरा चैनल है सिलाई कोच प्रीत तिवारी, तो जाके चेकआउट कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।